अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अर्शी जट विद यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने ग्लोवो की आईडी कैसे बनाई जाए उस पर वीडियो बनाई हुई है, तो आज मैं आपको ग्लोवो पे काम कैसे करते हैं वो भी करके दिखाते हैं, ठीक है। सो मैंने ले लिया है बैग जिसपे हमने डिलीवरी करनी है खाना, जिसके अंदर हमने लेके डाल के और जाना है। और ये है एप्लीकेशन मेरी आन है, इसमें जनाब कैलेंडर होता है, उसमें ये टाइम जैसे जिस तरह ये मैंने ये इसको पकड़ना है तो मैंने एक्सेप्ट करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे वाइट कलर की होगी, उप सभी नहीं है। तो इसी तरह जैसे मैंने कल का टाइम ये 1 घंटा ये ग्रीन इधर टाइम आया था, जो जोन सा अवेलेबल हो, जो टाइम स्लॉट अवेलेबल हो। अगर ग्लोवो में एक वाइट लाइन आपको नजर आ रही हो किसी टाइम पे, जैसे कि ये नजर आ रही है वाइट लाइन 19 to 20, 7 से 8 एक घंटा काम है, आप इसको पिक कर सकते हैं। अभी घंटा आपका है। तो ये जो आपको येलो कलर की नजर आ रही है ये बोनस है कि अगर आप 10 यूरो का काम करेंगे तो वो 10 यूरो को 1 यूरो 42 सेंट के साथ मल्टीप्लाई करके जो पैसे बनेंगे वो आपको मिलेंगे। ये ग्लोबो वाले आपको किलोमीटर के हिसाब से और टाइम के हिसाब से पैसे देते हैं। तो गाइज अभी हम मैंने अभी टाइम मेरा शुरू हो गया है जो कि 18 से लेकर 20 तक था, और ये लाख का मतलब है कि अभी आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। आपने ये 1 घंटा आपका ये काम है कि आपने करने करना है। इसके अंदर नीचे कुछ ऑप्शन होते हैं, ऑर्डर्स, रिपोर्ट्स, कैलेंडर, चैलेंजर्स और प्रोफाइल। ऑर्डर में ये देखिए यहाँ पे अटर आएगा या बटर आएगा तो यहाँ पे शोना शुरू हो जाएगा, ठीक है। रिपोर्ट्स में ये होता है कि आपने क्या काम किया, कितने पैसे कमाए हैं आज का हफ्ते का सारा। और ये कैलेंडर है कि आपके पास कौन से दिन में कितने घंटे हैं, ठीक है। जैसे कि संडे में मेरे पास 1 घंटा। ये जो डायमंड आता है इसका ये होता है कि आपको ये हाई काम होता है कि ज़्यादा डिमांड है इस घंटे में काम की। तो अभी हम आपको जब से ही ऑर्डर आता है तो आपको दिखाते हैं कि कैसे ऑर्डर पिक करते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह से और कैसे क्लाइंट को डिलीवर करना है। चैलेंज होते हैं ये, इन्होंने ऑप्शन पहले नहीं था तो ये नया ऑप्शन है। चैलेंज हो सकता है, आपको कोई भी चैलेंज दे सकते हैं, ठीक है। अभी कोई चैलेंज खास नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल आपको दे दें कि जी आप अगर आप इतनी डिलीवरी कर दें हफ्ते में तो हम आपको इतना 500 दे देंगे। अभी कुछ भी हो सकता है। बाकी प्रोफाइल होती है, उसके अंदर पॉइंट होते हैं। मैंने अभी काम छोड़ा हुआ था कुछ 1-2 महीने, काम नहीं किया, मेरे पॉइंट बहुत कम हो गया, मेरा जो स्कोर है कम हो गया, एक्सीलेंट स्कोर फिर भी नज़र आ रहा है एक्सीलेंट स्कोर। तो ये पॉइंट होते हैं, जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे आपको उतने ज़्यादा चांस होंगे ऑर्डर्स मिलने के, प्रमोशनल मिलने के। तो अभी हम ऑर्डर का वेट करते हैं। जैसे ही ऑर्डर आता है आपको पिक करने से लेके फिर ड्रॉप करने तक आपको दिखाते हैं। सो बैग को साफ करना बहुत जरूरी है। जब आपने बैग पिक करना है तो उसको सही तरह साफ कर देना है अंदर से बाहर से। अगर आपका घर बैग साइड पे कहीं भी पड़ा हुआ है तो उसके अंदर कोई धूल मिट्टी ना पड़ी हो, कोई बाल वगैरह को ना हो। ये अगर आप साइकिल पे कर रहे हैं या मोटर बाइक पे कर रहे हैं तो ये जो जैकेट है बेहतर है, जो कि रिफ्लेक्ट करती है लाइट्स, जिससे एक्सीडेंट कम होने का खतरा होता है कि दूसरी गाड़ियों को पता लग जाता है कि कोई साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे जो है ना वो सफर कर रहा है। और गाड़ी में भी अगर बंदा कर रहा हो तो फिर भी बेहतर होता है कि जब बंदा उतरता है या गाड़ी में दोबारा वापस बैठता है तो बंदे के लिए डिफरेंट, वो जो मोटरसाइकिल वाले होते हैं समटाइम पीछे स्पीड से आ रहे होते हैं तो उनको नज़र नहीं आता साइड से बंदा आ रहा है। तो जैकेट पहननी चाहिए, आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हेलमेट भी साइकिल वालों के लिए और मोटरसाइकिल वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब बंदा न्यू ग्लोवो का अकाउंट बनाता है तो विद फोर्स अगर आपके पास बैग नहीं है तो बैग खरीदना पड़ता है जो कि 30 यूरो का है प्रॉबली आमतौर पे। लेकिन अगर आप नया अकाउंट बनाते हैं ग्लोवो का तो आपको वो 1 5 यूरो का डिस्काउंट देते हैं, जो कि 25 यूरो का आपको बैग खरीदना पड़ता है। बाकी उसके साथ अगर आपने साइकिल पे अकाउंट बनाया तो आपको हेलमेट और ये जो है ना मोबाइल हुक जो स्टैंड है साइकिल का वो फ्री मिलता है, जैकेट ये फ्री है आपने। तो गाइस अभी मैं अपने घर से निकलने लगा हूँ, मैंने साइकिल की जो टायर ट्यूब्स है हवा चेक कर ली है, अपना सारा साइकिल ठीक है जी, ओके हो गया। अभी जस्ट वेट फॉर ऑर्डर, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है, नो अवेलेबल ऑर्डर, सही है। तो गाइस देख रहे हैं ये मुझे अभी ऑर्डर आ गया, ये कह रहे हैं जी आपने एक्सेप्ट करना है डिटेल के लिए, इधर डिटेल की जो मैं टच करूंगा ऊपर, ये एक टाइम लिमिट है, ये ब्लू लाइन एंड तक, अगर इससे पहले पहले मैंने इसको टच कर लिया तो ऑर्डर दे सकता हूँ, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा, टाइम अप हो जाएगा, ठीक है, जस्ट टच इट। वो कह रहे हैं कि इस वियाले बोर्गो से इधर से हमने ऑर्डर पिक करना है और डिलीवर करना है विया दिल से अर्जली। तो मैं अभी ये स्टार्ट करता हूँ, मैंने अभी ऑर्डर स्टार्ट करने लगा हूँ। ये 5 किलोमीटर का फासला है और मुझे ये 4.40 यूरो मिल जाने हैं स्टार्ट, ठीक है। ये भी जनाब सीधा हमें जो है ना वो उधर डायरेक्शन पे ले जाएगा, ठीक है। जो जब मैं ये अभी मैंने उधर जाने के लिए क्लिक करूंगा,
ठीक है, ये गूगल मैप में सिलेक्ट चला जाऊंगा, मैंने साइकिल पे जाना, ऊपर मैं साइकिल सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, सम टाइम मध्य भूल जाते हैं, ये स्टार्ट कर दिया और ये भी गूगल मैप शुरू हो जाएगा, ठीक है गाइस। सो गाइस मैं अभी रोड पे आ गया, मैं ऊपर था, मुझे लिफ्ट में थोड़ा टाइम लग गया, 2 मिनट लग गए, और लेकिन आप याद रखें कि टाइम पे जो है ना 10 मिनट पहले बंदा बाई रोड पे हो तो बेहतर है। सो गाइस अभी टाइम नोट करते हैं, मैंने 10 मिनट की राइड है, ये भी मैंने 6:16 हुए हैं, तो अब देखते हैं मैं कितने मिनट पे, 17 मिनट हो गया जी, तो मैं ये 10 मिनट का फासला है तो ये तय करता हूँ, ठीक है, और देखते हैं कि कितने मिनट में डिलीवरी करता हूँ, उसकी कितने जो है वो मिलती है। मौसम बहुत प्यारा है, आज हवा चल रही है, इस वजह हम निकलें काम पे अभी। बाकी गूगल कह रहा है कि लेफ्ट होके जिंदर से उधर से होके कि आप जाएं, बाकी मुझे पता है जी लाल किला लेफ्ट साइड है जहाँ से मैंने जाटर पिक करना है, और मुझे शॉर्टकट पता है अपने, तो मैं अपने शॉर्टकट से जाऊँगा, लेट्स गो। सो गाइस मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंच गया हूँ जी, लाल किला रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, और ये देखिए मैं पूरे 10 मिनट लगे, मुझे 17 में चला था, 27 मिनट हो गए, तो गूगल जो कहता है वो सही कहता है, बेशक जितने मर्जी शॉर्टकट मार ले। सो गाइस ये देखें रेस्टोरेंट पहुँच गया, और वो मैंने आई एम इन स्टोर, अगर मैंने पिक कर क्लिक कर दिया था, और ये मेरा जी क्लिक करूँगा, ये ऑर्डर नंबर है 459, और ये इनको दिखाना है तो ये हमें ऑर्डर दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम, 459 अली नहीं तैयार होया है ही नहीं, तो डल नहीं आया। सो दोस्तों ये अभी इस रेस्टोरेंट का ये सीन है कि ऑन जो क्लाइंट है ना वो इनको ऑर्डर दे रहे हैं, कर रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन अभी मैं इधर आया हूँ तो वो कह रहे जी हमारे पास ऑर्डर, हमारी मशीन ख़राब है, हमें ऑर्डर नहीं शो हो रहे, तो आप जो है ना कैंसिल कर दें। तो अभी इसका हल ये है कि ये देखें ये इधर कॉर्नर पे ना तीन पॉइंट नज़र आएंगे आपको, इधर मैं क्लिक करूँगा तो कॉन्टैक्ट सपोर्ट है या कॉल है, कॉन्टैक्ट सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है जी। अभी यहाँ पे सारी आप रीज़न है, सोज है, बैड क्या क्या, अगर आप मौसम ख़राब है, गिर गए हैं साइकिल पर जाना वास्ता, ठीक है, गाड़ी ख़राब हो गया, व्हीकल ब्रेक डाउन, दी कस्टमर अगर कस्टमर से रब्ता करना है, कॉन्टैक्ट डिस्कोर, पिकअप इशू, ये सर हम अभी तो पिकअप इशू पर क्लिक करेंगे, स्टोर इशू है, हाँ जी इधर आ जाए, स्टोर इशू, ऑर्डर इशू, पेमेंट इशू, स्टाफ इशू, ये स्टोर इशू पे आ रही है इधर जी, जो है ना अभी यहाँ पे ऑर्डर इशू कर लें, हाँ जी यहाँ पे इधर आ रहा है कि ऑर्डर नॉट रिसीव्ड बाय स्टोर, तो हम इधर करते हैं, जी आप इधर लिख लें कि इटली में लिख लें, टालिन में, ये देखें मैंने रिप्लाई किया, जी ये पूछ रहे हैं कि क्या जो है ना लोकल है, जो दुकान है, रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम आए हैं, क्या उन्होंने ऑर्डर रिसीव कर लिया कि नहीं किया, हम करेंगे नो, वो कह रहे हैं कि हो सकता है जी जो है ना रेस्टोरेंट उनकी डिवाइस ख़राब हो, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो, तो हम जो है ना कोई आपकी हेल्प कर सकती है, ऑपरेटर आपसे रब्ता करते हैं अभी, ठीक है। देखिए जी उन्होंने निकाल कर लिया मुझे, भाई जी बात करें वो ग्लोबो वाले हैं, ग्लोबो वाले उनको बताना क्या प्रॉब्लम है, प्रॉन्तो ये भाई बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है उनको, sono sono una pizzeria già accendere funziona ma che niente proprio, so guys order cancel ho gaya, ठीक है
तो अभी नहीं ऑर्डर देते हैं। सो गाइस ऑर्डर तो कैंसिल हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे जो आया हूँ ना, ठीक है, 1.60 फिर भी मुझे मिल गया, ठीक है, सब यहाँ पे आने। सो गाइस अभी एक नया ऑर्डर आ गया जी, इधर क्लिक करते हैं, ठीक है। सो अभी इधर ही मैं अभी लाल किले में हूँ। सो अभी स्टार्ट करना है तो इधर स्टार्ट, ये अभी 5.81 का ऑर्डर है, 7.69 किलोमीटर ये है जी। तो जस्ट स्टार्ट इट एंड ये जी ए लिखा हुआ है, ये हमारी जो डेजिनेशन है, इधर क्लिक करेंगे हम सीधा जो है ना वो देखा मिक्रोन लिखा हुआ है, मुझे पता है क्योंकि हम जब मैं काम करता हूँ तो पता लगता है भैया का स्ट्रीट नेम का नाम जो है ना वो, ये ठीक है जी, ये ओपन हो गया। साइकिल पे 8 मिनट का रास्ता है, इसका भी हमारा अपना शॉर्टकट है, तो लेट्स सी। हेड साउथ ईस्ट ऑन फियाले जी। गाइस मैं पहुँच गया हूँ जी, साल मिनट कह रहा था मैंने शॉर्टकट मारा, 44 पे हम निकले थे, अब ये 5-6 मिनट लग गए, मैंने 1 मिनट जाना होता। तो अभी हम जनाब यहाँ पर पहुँच गए, अभी 3 मिनट तक कह रहा गूगल, तो वैसे 3 मिनट कह रहा अभी बढ़ा, हम तो पहुँच गए। ओके और भी दोस्त आए होंगे, ये ऑर्डर नंबर यहाँ पे जो है ना मैकडॉनल्ड का, ये सीन है कि दूसरे रेस्टोरेंट्स पे नंबर उतरना पड़ता है, यहाँ पे अल्फाबेट ये तो ये साथ ये डब्बे का निशान है, इसके क्लिक करेंगे तो ये जूम हो जाएगा, सिर्फ ये आएगा स्क्रीन पे। तो अभी हम अंदर जाएंगे, अगर लाइन सम टाइम होता है वेट करना पड़ता है लाइन में, क्योंकि और भी राइडर आए होते हैं तो उन्होंने भी करना होता है। इधर बता देते हैं जी, कैश पेमेंट लेनी है हमने 18.90 और जो है ना वो उसके पास 20 यूरो। ये इसलिए होता है कि 20 यूरो का नोट देगा क्लाइंट और उसको हमने 1.10 यूरो देने हैं, तो हम पहले से जो है ना वो चेंज अपने पास उसका बंदोबस्त कर लें कि आपके पास होना चाहिए। सो गाइस ये हम अभी मोबाइल इधर से उतार लेंगे, ये इधर लगाता है, इसे उतार लिया और ये हम जो है ना अंदर ही ले जाएंगे, साइकिल लाख लगा लिया और ये हम मोबाइल में जा रहे हैं। जब हमने ऑर्डर पिक कर लेना तो हमें करना है कन्फर्म टिकट, वो भी एक ऑर्डर है अगर डी बोल रहा है ऑर्डर, उसके पास मेरा नंबर है। तो अभी ये भी डेजिनेशन आ गया जहाँ पे हमें जाना है अभी, ठीक है जी। ये है जी कुछ चाइनी है, इसका नाम है शेन शिन, ठीक है, वी या फलाना। अभी इधर हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये हमें गूगल मैप ओपन कर देगा जी। चलो जी नेट स्लो इधर मेरे भी, तो अभी हम इसको वापस ऊपर लगाएंगे, ये आ गया जी। ये है जी 24 मिनट साइकिल चलानी है मैंने अभी, 24 मिनट, बाकी कोई शॉर्टकट वगैरह ले देख लेंगे, 22 मिनट वाला भी है, तो चलते हैं जी। अभी वहाँ पे पहुँच के आपसे आपको दिखाते हैं। हाँ जी गाइस हम पहुँच गए जी, गूगल साहब कुछ चौबीस मिनट लगे थे लेकिन मैं 22 मिनट पहुँच गया। योर डेस्टिनेशन इज़ ऑन द राइट। ये पहुँच गए हमारा एड्रेस। ओके जी सामने 12 नंबर है जी, हमने जाना है, ये हो गया डन और ये हो गया जी इधर। तो आई हैव अराइव्ड विया क्वात्रो। चेक इन नहीं करना, जब उसको दे देंगे फिर चेक इन करना। तो जी हम ढूंढते हैं 4 नंबर किधर है, 4 नंबर, ये 3 नंबर है और इसके आगे इधर होगा जी, हम 4 के आगे खड़े थे। ओके ये ओ अच्छा अमिको, ये देखिए क्लाइंट बाहर आ गया,
कह रहा है कि मैं इधर हूँ। ओके तो जी अभी आप चेक इन कर सकते हैं कि पेमेंट हो गई है, कंफर्म ड्रॉप ऑफ। ठीक है जी, अभी बेशक अभी पैसे पेमेंट कर लें पूरी, फिर कर लेते हैं ड्रॉप ऑफ। ओके हाँ जी, ये ले लेंगे क्लाइंट्स 20 यूरो। अभी हम यहाँ से कंफर्म कर देंगे ड्रॉप ऑफ। और जी कंफर्म हो गया जी, वेल डन, ऑर्डर कंप्लीट, गॉट इट जी। देखें मैंने ना 18 यूरो 90 सेंट मेरे हाथ में है जो कैश मैंने, ये होता है जी कुछ कुछ जो क्लाइंट होते हैं ना वो कैश ऑन पेमेंट करते हैं, ठीक है। वो आपको एडवांस पेमेंट ग्लोबल की तरफ से आई थी है, बाद में जब नया ऑर्डर आता है ना कोई ऑनलाइन तो वो जमा नफी हो जाता है, ठीक है जी। ये भी ऑर्डर है जी, फिर आ गया 5 यूरो 47 सेंट का, 6 किलोमीटर या ये उधर जाना जी विया विंचेंसो जी। स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जी। बिल्कुल नज़दीक दिया जी, 1 मिनट का फासला यहाँ से ऑर्डर लेना, वहाँ से 1 मिनट का फासला, हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो बाकी मैंने ऑर्डर दे दिया, ये मैंने कैश ले लिया, ये मेरे हो गए हैं, मुझे एडवांस पेमेंट हो गया, मुझे महीना अपनी सैलरी के लिए 45 डेज वेट नहीं करना पड़ेगा कि एक महीना काम करूँगा फिर वो 12 तारीख को सैलरी आएगी या 15 को सैलरी मिलेगी, आप बाउंस नहीं होते। और आपके जो ग्लोबल वाले हैं ना, एवरी 15 डेज हर 15 दिन बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। आपने 10 यूरो का काम किया है, 50 का, 100 का, 1000 का, 2000 का, जितने का भी काम किया आपने, सारे पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। हाँ अगर आपके पास कैश आ जाती है 50 यूरो से ज़्यादा, 70 यूरो 80 यूरो आ जाते हैं, तो वो फिर 24 आवर्स के अंदर आपने वो आपको एक लिंक सेंड करते हैं, उस लिंक के अंदर आपने अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम और अपनी ईमेल आईडी देनी होती है जो ग्लोबल से रजिस्टर्ड है, तो वो आपको एक बारकोड दे देते हैं। वो बारकोड आपने तबाकी पे जाना है और वहाँ पे दिखाना है, तो आपने जो आपके पास पैसे हैं ना जो भी यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, ए फॉर एग्जांपल ये जो ब्लैक है उधर आगे जो 18 यूरो 90 सेंट शो हो रहे थे अभी मैंने वो चले गए उधर, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। सो गाइस ये जो पैसे होते हैं ना, ओके एक मिनट, ये जो पैसे होते हैं ना कैश बैलेंस, ये ग्लोबो के ये हम कर रही हैं उनके, ठीक है। तो ये जब 15 दिन बाद ये सैलरी आती है ना, तो अगर हमारे पास 50 यूरो के नीचे भी पैसे होंगे ना तो वो तो जमा नफी हो जाएंगे, तो अगर ज़्यादा होंगे तो वो 24 घंटे के अंदर वैसे ही आपको मेल आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा कि ये आप सेंड कर दें हमें, ठीक है। वो आपको कोई एक्सपेक्टेशन देनी नहीं पड़ती, वो सारा उसके अंदर ही होता है, तो वो पेमेंट हो जाती है ये फिर धीरे धीरे हो जाता है। चलिए जब नेक्स्ट ऑर्डर करते हैं, सेम चीज़ ही, जब आपने रेस्टोरेंट पॉइंट ऑर्डर पिक करने के लिए आपने आई हैव अराइव्ड पे क्लिक कर देना है। ये देखिए ये जो है रेस्टोरेंट का नाम था अंति के सापोरी, तो ये इधर हम पहुंच गए जी, ये वो ही है जी अंति की सापोरी, ये अब रेस्टोरेंट है, यहाँ से हम जो है ऑर्डर लेते हैं जी। ये ऑर्डर नंबर है जी, देखिए यहाँ का गोड है मैकडोनल्ड का, सिर्फ जो अल्फाबेटिक आता है, बहुत प्यारा गोड है। सालवे इस तरह ऊपर सीट भी लगी होती है, ऑर्डर नंबर 359 आप कंफर्म कर सकते हैं, ऑर्डर सेम है, ऑर्डर नंबर सेम है, 11 यूरो का क्लाइंट ने देने हैं जी, ठीक है। और ये जो है ना अभी इसके अंदर पिज़्ज़ा आ गया, तो ये जो बैग होता है ना अभी इसको हमें साइड से खोलना होता है, ये इसकी जिप लगी होती है, साइड से भी खोला, ठीक है जी, और ये इधर से खोला तो ये हो जाएगा खुला भरा, ठीक है जी। और नीचे से फूल खुले, फूल खुले, ये बैग खुला हो गया जी, ठीक है जी। वैसे खोलें जी ऊपर से, फिर ये दो दिपे हैं जी, ये इधर खोला जी, और वैसे जब पता मैंने नया ना लगा तो मुझे समझ नहीं आया बिगड़ रखना कहते हैं, तो मुझे फिर फोन कैसे मोड़ रखा था भी उसने बताया कि जी ऐसे है, मैं कहा बहुत शुक्रिया बताने का, नहीं पता लगता यार बंदे को, ठीक है ये सीन, तो ये देखो ठीक हो गया जी। तो अभी ये आप ऐसे रख लें इसके अंदर, टन टन, ठीक है जी।
ये जो चीज़ है ना, इसको अगर पिक करना ना तो ये लास्टिक लगा हुआ है इसको, या ऐसे भी काट सकते हैं लेकिन डेढ़ अच्छा ये पहन देते हैं। ठीक है, ये जो लास्टिक लगा होता है कुछ चीज़ होना तो उसका सीधी ज़्यादा पिज्जे हों तो ये काट सकते हैं। ठीक है ओके जी गाइस, पिज़्ज़ा आ गया है अंदर, बैग से खुल गया है जी, सही तरह बंद कर लें, कन्फर्म कर लें सारा कुछ बंद हो गया, नहीं तो चीज़ है खाना ठंडा हो जाएगा और जो है ना क्लाइंट आपको ना रेटिंग भी माइनस देगा, फ़ायदा नहीं है। सो ये हमने हो गया पिक। ठीक है जी, अभी हम जाएंगे जी कि सामवेल के पास, क्लाइंट है जिसको हमने देना है तो ऑर्डर नंबर, इससे हमने ये लेना जी 12 यूरो, विल पे 12 यूरो, ये भी कैश ही है जी। अच्छा जी, तो हम जाएंगे इधर जी, 19 मिनट का वाक है जी, साइकिल है जी, स्टार्ट। Head southwest on via Vincenzo da Filippo. लो जी, ये अभी हमने ऑर्डर दे दिया, डिलीवर कर दिया है जनाब, 12 यूरो कैश मिल गए हैं, मजदूर तो मजदूरी भी सेवन सुखन से पहला यह हिसाब है जनाब, दस्ती पैसे, बटवा तो हाल ही नहीं होना था, वालेट आपका आप भी कहते हो कि अभी पंजाबी में आ गया, चलो अभी पंजाबी बात करता हूँ कि अगर आपका वालेट हाल ही हो जाता तो फिर जो है ना आप ग्लोबो का काम करें, आपका वालेट जो है ना बदल ही रहेगा। सो गाइस, ये मेरे पास आ गए हैं 30 यूरो 50 सेंट कैश, जो कि मेरे पॉकेट में है, इसमें से मैंने जो 12 यूरो 88 सेंट का काम किया वो माइनस हो जाएंगे, बाकी जो मेरे पास रह जाएंगे। तो सो गाइस, चैनल सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच।